बिल्कुल साहब लोग। इस बार तो जैसा आपने कहा भी लोगों से बातचीत के दौरान भी कि ये आप लोगों को ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकता है या शादी सरची जा सकती है, तो क्या आप लोग का क्या गेम प्लान था, ये आप लोग भी पहले से तैयारी किए हुए थे? जय हिंद। देखो ये बड़े शातिर लोग हैं, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं उन्होंने भी अपने दिमाग में गेम प्लान पूरा किया हुआ था, और आप लोग पहले भी काफ़ी सवाल कर रहे थे गठबंधन का क्या व्यू है, गठबंधन का क्या व्यू है। ये जानबूझ के मुझे पहले जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो पर्चा दाखिल कराया गया था, उसके बाद में अचानक पार्टी से करवाया गया और साथ में शालिनी बहन जी करवाया, तो हमें भी पता था ये अगर ये इस तरह की साजिश रचते हैं तो इनके सामने हमारा दूसरा प्रत्याशी मौजूद रहे ताकि हम इनको मात दे सकें। इस शय और मात के खेल में अभी कितने महीनों कितने समय से ये चल रहा था, ये कि आप लोगों इनके चूंकि जो कर सकते थे ये इस तरह का साजिश रच सकते थे? नहीं, ये पूरे 2 साल हो गए मेरे खिलाफ साजिश पे साजिश रच रहे हैं, जैसे कि बीच में मेरे बच्चे की हत्या है किस्म से, उसकी कोई जांच नहीं, इस तरह की साजिशें रच रहे थे। मुझे ऑफर जैसे जिस तरह से मुझे ऑफर दे के तोड़ने की कोशिश की है, 50 करोड़ तक के ऑफर मुझे दिए गए, आप 50 करोड़ रुपये ले लो आपको मार दिया जाएगा, काफ़ी दबाव मुझे पूर्ण था कि अपने जितने भी इनके हथकंडे अपनाएंगे लोग हर तरीके से हथकंडे अपनाएंगे और मुझे किसी भी तरीके से पर्चा खारिज करवाने की कोशिश। बनारस में चुनाव को लेके बता रहे गेम प्लान था, कितने दिनों पहले से आप लोगों ने सब तय कर रखा था? नहीं, मैंने तो जब मोदी जी ने मुझे नौकरी से बर्खास्त किया और उसके बाद जब मेरे बच्चे की हत्या होती है उसी टाइम से मैंने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव। समाजवादी पार्टी कुछ दिन जैसे चुनाव डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद से उनकी चर्चाएँ आपस में हमारी मीटिंग और चर्चाएँ चल रही थी। निर्दल पर्चा भी भरा था जी जी, इसके बाद आपसे बीजेपी किसी ने संपर्क करने की कोशिश की पर्चा वापस लिया या कुछ? हाँ, मैं पर्चा निर्दल भरने के बाद एक बार बीच में घर में गया था तो उन्होंने काफ़ी दबाव डाला और पैसे का 50 करोड़ तक का ऑफर भी दिया। मैंने उनसे एक ही सवाल का किया था कि आप लोगों की वजह से मेरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, क्या उसे वापस ला सकते हो आप? ये पैसे का ऑफर जिसने दिया था? बीजेपी के लोगों ने दिया। जैसे कौन, कोई नाम ऐसा है? नहीं, नाम नहीं बता सकता मैं उनके, क्योंकि आप जानते ही हो कि आज हालात क्या है देश की। जब नाम बता दूंगा तो वो आदमी शायद ये गायब कर देंगे, उसको मरवा देंगे लोग, इतने साथी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।